समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पाठक। पहले नजर डालेंगे टीकमगढ़ की खास खबर। टीकमगढ़ में कोतवाली थाना अंतर्गत पपोरा चौराहे पर खूनी संघर्ष होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मकान बनाने के विवाद को लेकर यह संघर्ष हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों के मिलाकर तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। एक पक्ष अजय सोनी के द्वारा बताया गया कि मेरे जीजा जी राजकुमार सोनी अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी मनोज जैन के द्वारा गाली गलौज की जा रही थी, जिसका रामकुमार सोनी ने विरोध किया तो मनोज जैन ने अपने दो साथियों को बुलाकर रामकुमार सोनी पर और उनकी पत्नी एवं बच्ची पर बेसबॉल के बल्लों से हमला कर दिया, जिससे रामकुमार सोनी व उनके परिजन लहूलुहान हो गए, जिसके बाद मोहल्लेवासियों की मदद से घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दूसरे पक्ष के मनोज जैन का कहना है कि घर के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर राजकुमार सोनी ने उससे गाली गलौज की और उनके साथ उन पर व उनके भतीजे शिवम के साथ मारपीट की। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जाँच के बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ से विकास राय की तो आए दिन वो जब से मकान बन रहा है तो बात करते रहते हैं। आज जी आज सुबह बाहर खड़े थे तो इन्होंने आके गाली गलौज की, उन्हें कि गाली क्यों दे रहे हो, तो इन्होंने पहले एक पत्थर रखा था वहाँ, तो उठा के नीचे पटका तो कह रहा हम देखने वो चले गए। उसके बाद ही अपने दो साथियों को डुबा के बेस बोर्ड के डंडे लिए हुए थे। तब तक हमारे दीदी और भाने जन सब लोग आ गए थे, वो अभी दूसरे के किराए से रहते हैं। ये आए और सीधा इन्होंने बेस बॉल से अटैक कर दिया तो हमारे जीजा जी के सर में चोट है, हमारे भानेजन के सर में चोट है, खून बहा है, हमारी दीदी को भी सर में चोट है और दीदी के ससुर उनको भी मुंडी चोट है, हमारे भानेज को भी कंधे में इन्होंने प्रहार किया तो खून कोई नहीं निकले, मुंडी चोट है। इसकी शिकायत कर दी आपने थाने जी? अभी हम थाने में गए थे, हमने थाने में शिकायत की जी। पपोरा चौराहे पे सूचना मिली थी, फिर दो पक्षों में जैन एवं सोनी परिवार पक्षों में आपस में मकान की दीवार और पट्टी बनाने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों को चोटें आई हैं, जिसे मेडिकल उपचार में थी अस्पताल रवाना किया गया था और पश्चात वैधानिक कार्रवाई संबंधित मामला में